पेश है आपके सामने प्रिंजल भाजी। ये लिए हैं, काट लिया है इनको अच्छे से, और ये चॉप्ड अनियन है, ये टमाटर लिए हैं, और ये अदरक है, लहसुन है, हरी मिर्च है, और ये कुंडी वाली चटनी है, इसमें अदरक लहसुन ऑलरेडी है, हींग भी पीसी हुई है, और ये सारे मसाले हैं फ्रेंड्स। साबुत धनिया पीस के रखा हुआ, और साबुत धनिया भी लेना है हमने। यहाँ देखिए मैंने छौंक चढ़ा दिया है, छौंक में मैंने सबसे पहले जीरा और दो कटी हुई हरी मिर्च और साबुत धनिया का छौंक तो स्पेशली लगाना ही लगाना है, और इसमें मैंने अदरक और लहसुन भी डाल दिया है। उसके बाद इसमें अनियन डाल दी है। अनियन डालने के बाद इसको हम अपने मसाले को अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद हम दो चुटकी टू पिंच हींग डालने के बाद सारे मसाले जो हमने इकट्ठे किए थे, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, सारे डालने के बाद इनको अच्छे से प्याज के साथ भून लेंगे। और जब ये हमारा मसाला तेल छोड़ देगा, उसके बाद देखिए हमने इसमें बैंगन डाल दिए हैं। बैंगन डालने के बाद देखिए अब हम क्या करेंगे। अभी मैंने इनको धोने के बाद अच्छे से डाल दिया है, अच्छे से चलाते रहेंगे। और देखिए मिक्स कर दिया है मैंने अच्छे से, अभी इसको 5 मिनट के लिए मैं ढक देती हूँ। 5 मिनट के बाद देखिए मसाला भून चुका है, बिल्कुल अच्छे से इसमें मैश हो चुका है। और फ्रेंड्स टमाटर हमने स्टार्टिंग में नहीं डाले, आप सोच रहे होंगे टमाटर क्यों नहीं डाले, टमाटर अभी नहीं डालने फ्रेंड्स, टमाटर बाद में डालते हैं क्योंकि गलती देर से है हमारी। अब इसके बाद मैंने जो अपने टमाटर चॉप कर रखे थे उनको सेंटर में डालूंगी, बिल्कुल सेंटर में। इसमें मैंने थोड़ा सा हरी मिर्ची वाला पेस्ट भी डाला है, थोड़ा सा और ऐड किया है इसमें, और इसको मैं अच्छे से इसके बीच में सेंटर में करते हुए अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ढक देंगे। ये देंगे 1 मिनट के लिए ढक देते हैं, और देखिए हमारे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। तेल छोड़ने के बाद देखिए मैं अच्छे से सारा मिक्स कर दूँगी। इतनी गजब की सब्ज़ी बनती है, आप खाते खाते नहीं छूटोगे, और हमारी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है फ्रेंड्स। अनियन के पराठे के साथ इसको सर्व कीजिए और खाइए, और चटनी साथ में, और लस्सी लेंगे तो और गजब ही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।